नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कोरोना अपडेट से। 24 घंटे में मिले 3,79,000 से ज्यादा नए केस, 3,645 की गई जान। अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने दी कोरोना को मात। पंजाब में बिगड़ते हालात, एक दिन में सर्वाधिक 142 मौतें, 6,772 नए केस, 57 की हालत नाजुक। सख्ती, बीमा कंपनियां 1 घंटे में मंजूर करें कोरोना मरीजों के बिल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। अलीगढ़ में प्रधान पद प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव निरस्त कराने की अपील। बंगाल में हिंसा, उत्तर कोलकाता में कार सवारों ने फेंके बम, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। राजधानी में हाहाकार पर आरएसएस का सवाल, ट्वीट कर पूछा दिल्ली की भाजपा इकाई बंद हो गई क्या। सीएम उद्धव ठाकरे आज टीकाकरण पर करेंगे बैठक, 1 मई से शुरू होगा तीसरा चरण। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत के बीच सेंटर्स पर भारी भीड़, बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंच रहे हैं बुजुर्ग। हैशटैग रिजाइन मोदी को फेसबुक ने किया ब्लॉक, हल्ला मचा तो रिस्टोर कर बोला गलती से हो गया, सरकार ने नहीं कहा था। मुर्शिदाबाद में कार की टक्कर में सीपीआई कार्यकर्ता की मौत, 2 घायल, पार्टी ने टीएमसी को घेरा। संकट में भारत को पुराने साथी का सहारा, दवाइयां, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर भारत आए 2 रूसी विमान। त्रिपुरा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में डीएम ने दूल्हा दुल्हन को मैरिज हॉल से निकाला, हो गए सस्पेंड। चिदंबरम बोले मूर्ख समझ रही है सरकार, लोगों को कर देना चाहिए विद्रोह, कांग्रेस ने की मांग, डॉक्टर हर्षवर्धन को किया जाए बर्खास्त। दिल्ली में 4 बार कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी जज साहब को नहीं मिली रिपोर्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट रहा पॉजिटिव। पीएम केयर फंड से होगी 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी मंजूरी।